सावन झड़ी आ ठहरती होते ना तुम बेगाने बनते ना यू अफसाने बेगानगी में बनते ना यू अफसाने। उमर तुमने गाड़ी ले ली? नहीं गधा गाड़ी ले, तुम बैठोगी? जिंदगी के हर खूबसूरत मोमेंट को अपने रूम की दीवार पर लगाऊंगी। इतने अजीब शौक है तुम्हारे। एक ही शौक है मेरा। वो क्या? जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजरे। ऑफिस से 5 लाख रुपए की रकम गायब। व्हाट? उन्होंने उमर पर इल्जाम नहीं लगाया, मेरी तरबियत मेरी परवरिश उगाली दी है, मुझे इल्जाम दिया है उन्होंने। झूठ नहीं बोल रहा, उन्होंने ही लॉकर की चाबी बनवा के दी थी मुझे। मेरे बच्चों की कसम, ये सब मैंने रहमान साहब के कहने पे किया है। देख सकते हो, आपको फैक्ट्री में देखना नहीं चाहते। लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता उमर साहब, मैं गरीब इंसान हूँ, 4 पैसों की लालच में आ गया साहब। क्या हुआ? कुछ नहीं, फोन नहीं उठा रहा। आप दोबारा मिलाएं, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, वो कुछ करना बैठे। हेलो उमर, कहाँ हो बेटा? मुझे कहाँ होना चाहिए? अस्मा बता रही है कि तुम्हें कुछ पता चला। अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, ऐसे नहीं चले जाना चाहिए था। आप मेरी बात करवाएं। कोई गड़बड़ मत कर, और कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। कौन शख्स है, किसके बारे में पता चला है? कोई भी नहीं, किसी के बारे में पता नहीं चला। लेकिन मैं आज घर देर से आऊंगा, अम्मी को बता दीजिए। क्या हुआ, क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा, हीरो बनने का शौक चढ़ा हुआ है। ताइमी, वो अभी तक नहीं आया। मेरी बात हुई थी, कह रहा था कि मैं घर आ जाऊंगा, लेकिन ये नहीं बताया कि कब आऊंगा। लहजा कैसा था? ऐसा जैसे कुछ हो गया हो जो उसे सहा नहीं जा रहा, बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा है। वो पकड़ा क्या? कह रहा था मिल गया है, सच ही कह रहा होगा। मेरी तो कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा। जाकर सो जा माई, मुझे लगता है कि आज की रात उस पर बहुत भारी है, क्योंकि आज उसके लहजे में गुस्सा नहीं था, दुख था। जब वो इस दुख से निकलेगा तो घर ही आएगा, उसने और कहाँ जाना है। वो नहीं सोएगा तो मेरी आंखों में नींद कैसे आएगी? सब मैंने रहमान साहब के कहने पे किया है। बस कर, अब तू पे इल्जाम लगाते हो।
मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे उन्होंने ही नौकर की चाबी बनवा के दी थी। मुझे मेरे बच्चों की कसम, ये सब मैंने रहमान साहब के कहने पे किया है। तुम्हारी फीस पर लाखों रुपए लगे सिर्फ इसलिए कि तुम यूनिवर्सिटी में जाकर फसाद में हिस्सा लो। मैंने कोई फसाद नहीं किया। तुमने फसाद नहीं कराया, तुम्हारा नाम शामिल है उन लोगों में जिन लोगों ने फसाद किया है। लेकिन मैं वहां नहीं था। उमर क्या बहस कर रहे हो, पैसे शर्म नहीं आती है तुम्हें? क्या खुशी करते हो तुम्हारे लिए? हमी से मेरा क्या कसूर है? नहीं नहीं, कसूर तो हमारा है। उमर मैं तुम्हें बता दूं, अगर आइंदा मुझे शिकायत भी मिले तो मैं फीस के नाम पे एक पैसा नहीं दूंगा। आप गुस्सा मत करें, ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। वादा करो उमर, माफी मांगो अब्बा से, माफी मांगो अब्बा से। सॉरी। ये मुझसे माफी मांगकर गया या मुझ पर एहसान किया इसने? बाकी बेजारी कब नफरत में बदली पता भी नहीं चला। लेकिन कोई अपनी औलाद के साथ नफरत कर सकता है, वो भी इस तरह के उसे उसी की नजरों में जलील करे? मैं आपसे पूछूं भी तो क्या, एक बार मुंह से कह दिया होता तो फैक्ट्री की तरफ देखता भी ना। आही बेटा, यहां क्या कर रही हो? नमाज के लिए उठी थी ताहिब, यूं ही यहां के लेट गई। नमाज पढ़ ली? अभी पढ़ती हूँ ताहिब। वो अभी तक घर नहीं आया। आ जाए, फिक्र ना करो। आपको भी लगता है वो मुजरिम है? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, और ना मैंने ऐसा कहा है। सच कह रहे हैं? चलो नमाज पढ़ो। इस तरह होती है तसल्ली? तो फिर क्या करता? ये कह देता कि अब नहीं आऊं। अल्लाह ना करे। जिस शख्स के पीछे तुम गए थे वो मिला? इसने मुझ पे दरवाजा बंद किया है? नहीं, उसने मुझे कमरे से निकाला। वो ऐसा नहीं कर सकता। सुना नहीं, वो किसी से बात नहीं करना चाहता। जब वो किसी से बात नहीं करना चाहता तब मुझसे बात करता है। अस्मा जी, ला रही हूँ। जल्दी करो। उमर क्या बात है? पापा कहाँ रहे हो रात भर? नहीं बर्दाश्त कर सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं आपकी डांट सह लूंगा, आपकी मार भी खा लूंगा, आपका गुस्सा भी सुन लूंगा, लेकिन आपकी नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझसे नफरत नहीं कीजिए, मुझसे नफरत नहीं कीजिए, नफरत नहीं कीजिए पापा, प्लीज।
तुम सारी रात कहाँ थे उमर? अगर तुम्हें कुछ पता चला था तो हमें बताना चाहिए था। भाई क्या हुआ? उमर हम सब पूरी रात परेशान रहे और तुमने बस फोन करके एक जुमला कह के बंद कर दिया कि घर आ जाऊंगा। इस तरह होती है तसल्ली? तो फिर क्या करता? ये कह देता कि अब नहीं आऊं? अल्लाह ना करे। जिस शख्स के पीछे तुम गए थे वो मिला? नहीं मैं। लेकिन भाई दैद, मैं बहुत थक गया, सोना चाहता। तुम जाओ जाकर आराम करो। कायमी, उमर उठ गया? नहीं, सो रहा है अभी। तुम क्या बना ले? फ्रूट सैलेड है, इससे ज्यादा आसान मुझे कोई डिश नहीं लगती। जगा दूं उसे? नहीं, मैं गई थी, दरवाजा बंद था अंदर से। कायमी, उमर ठीक नहीं लग रहा मुझे। क्योंकि वो ठीक नहीं है माही। कल जब आया था तो किसी की तरफ देख ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि सबसे दूर जाना चाहता हूं। मैंने अपनी उम्र को कभी ऐसे नहीं देखा। वो तो मेरा बहुत बहादुर बेटा था। कल तायबू से बात हुई थी मेरी, वो उसे इल्जाम नहीं देते। दूध के पाक साफ बर्तन में एक कतरा भी गंदगी का गिर जाए ना, तो फिर कोई उसे साफ नहीं कर सकता। वो मुझे पकड़ा भी गया तो उमर का दिल कभी साफ नहीं होगा। भाई उठो, मुझे बताओ कल क्या हुआ था। सोने दो मुझे। मुझे पता तुम सोने रहे, तुम सोने की एक्टिंग कर रहे हो। बताओ कल क्या हुआ था। ऐसे नहीं मानेगा। क्या बकवास है यार, मैंने तुम्हें बोला है ना अभी मुझे सोने दो। चलो जाओ यहाँ से। जाते हो या नहीं? नहीं, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि कल क्या हुआ था मैं नहीं जाऊंगा। Leave me alone यार, आओ यहाँ से। भाई ये ज्यादती है, जाओ यहाँ से। मुझ पे दरवाजा बंद किया है? नहीं, उसने मुझे कमरे से निकाला। वो ऐसा नहीं कर सकता। सुना नहीं, वो किसी से बात नहीं करना चाहता। जब वो किसी से बात नहीं करना चाहता तब मुझसे बात करता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान खुद से भी करते हुए कतराता है। अम्मी, मैं जा रहा हूँ, एक जगह इंटरव्यू है मेरा। तुम जॉब करोगे? अच्छा, बाहर की बातों को इतना सीरियसली मत लो। जहां मेरी जरूरत ना हो मैं वहां नहीं जाता। लोग खामखा इतना जतन करते हैं, एक बार कहना ही काफी होता है। खुदा हाफिज़। इतना प्रस्त है मेरा भाई, खुददार है। आप तो कोई पांव भी पकड़ लेना तो फैक्ट्री नहीं जाएगा। तो क्या बाप से पांव पकड़वाएगा? नहीं अब्बा, मेरा ये मतलब नहीं था। तो मुझे बताओ कि तुमने उमर को क्या बताया?
और उसने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? साहब मुझे अपनी जान बचाने के लिए किसी ना किसी का नाम तो लेना ही था ना। तुमने मेरा नाम ले दिया। नहीं नहीं, आपका नमक खाया, आपका नाम कैसे ले सकता हूँ? मैंने बड़े साहब का नाम ले दिया। तुमने भाईजान का नाम ले दिया? साहब उस वक्त जो मेरे जहन में आया मैंने वही कह दिया। इसीलिए उमर आराम से पीछे हट गया। लेकिन अगर उसने भाईजान से बात कर ली तो? अगर उसे बात करनी होती तो मुझे छोड़ता ही क्यों? सिचुएशन बन गई। साहब मुझे कुछ पैसे और चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? जब्बार साहब आपने मुझे जो पैसे दिए थे वो खत्म हो गए और वैसे भी उतने पैसों में मार खाना नहीं था। एक रुपया और नहीं दूंगा हरामखोर। वाह जी वाह, आप कौन से हलाल की खा रहे हैं? बड़े भाई को धोखा देकर अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं आप? एक बार मुंह तोड़ दूंगा। ज्यादा बकबक की ना तो तुम्हें इसी केस के अंदर अंदर करवा दूंगा, समझे? ठीक है, मैं जाकर रहमान साहब को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि ये चोरी मैंने आपके कहने पे की थी। चींटी के भी पर निकल आए ना तो उसे काटने पड़ते हैं। जाओ जाओ जाकर बता दो। तुम क्या समझते हो तुम्हारी बात का एतबार कर लेंगे? पहले तुमने भाईजान पर इल्जाम लगाया और अब मुझ पर इल्जाम लगाते हो। देखे मेरे साथ ऐसा नहीं करें साहब, मैंने आपके खातिर बड़े बड़े काम किए हैं। चुपचाप करते जाओ, समझे? वरना एक केस नहीं कई केसों में तुम्हें अंदर करवा दूंगा, जेल में पड़े सड़ते रहोगे। अब दफा हो जाओ यहां से, जाओ। कुछ ज्यादा ही इसके भरपूर से निकलने लगे, इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे। आज मेरे पास बैठने का वक्त कहाँ से मिल गया? रोज तो तुम दूर से सलाम करके चले जाते हो। आसमा ने भेजा होगा। जी बिल्कुल, अम्मी ने भेजा, कहे कि जाके दरबारे आलिया में हाजिरी दे आओ। तुम्हारी माँ ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसमें मजाक की क्या बात है दादू, आप इस घर की मलिका ही तो है। नौकरी मिली? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल से ज्वाइन कर। चलो अच्छा हुआ। अरे सुना है वो चोर पकड़ा गया, पैसे भी मिल गए, तुम तो खामखा उसकी लपेट में आ गए। अरे हमें क्या पता था तुम्हारी माँ जो है लाखों रुपए जोड़ के बैठी हुई है। हमने तो सोचा था कि गाड़ी वो। अच्छा जी, मुझे काम भी है, मैं चलता हूँ, बाद में आऊंगा। जाओ जाओ, हमने कौन सा जबरदस्ती इसको अपने पास बिठाया हुआ था। आगे तो दुआ दे देंगे, अल्लाह कामयाब करे। साहब आपने एक बार मेरी बात रहमान साहब से कहा थे। साहब साहब मुझे ना कुछ बताना है, साहब मुझ पे एहसान कर दे साहब। अब आप बताएं क्या करना है इसके साथ। गरीब बंदा है, अब उस पर जुल्म तो कर नहीं सकते। साल दो साल के लिए इसको अंदर कर दें, इसके होश ठिकाने आ जाएंगे, फिर इसको पता लगेगा कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। ठीक, समझ रहे मेरी बात? अब आप मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूं। शुक्रिया। जब्बार साहब मुझसे गलती हुई, जब्बार साहब मुझे माफ कर दें। जब्बार साहब, जब्बार साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जब्बार साहब मेरी बीवी बहुत बीमार है, जब्बार साहब मुझे माफ कर दें, मुझ पे एहसान कर दें। जब्बार साहब, जब्बार साहब, जब्बार साहब, जब्बार साहब। उमर क्या हुआ है? कुछ होना था? पता नहीं, लेकिन जब तुम्हें देखती हूँ तो मेरा दिल कहता है कुछ हुआ है। आप कब आए? तुमने इतनी आसानी से फैक्ट्री क्यों छोड़ दी? आप चाहती हैं मैं वहां जाऊं? नहीं। क्यों? क्योंकि उन दोनों भाइयों ने बहुत मेहनत से वो फैक्ट्री बनाई है, वो नहीं चाहते कि कोई और इसमें हिस्सेदार। मैं कोई और नहीं हूं, उनकी अपनी औलाद।
तुम्हारे अब्बा तुम वैसे बहुत मिस करते हैं फैक्ट्री में, मुझसे कह रहे थे। ओहो, उमर साहब तशरीफ फरमा है। कैसी हो माई? सामने आ गई तो हाल पूछ लिया। जब से इसने काम स्टार्ट किया है ना, ईद का चांद हो गया है। हाँ, मसरूफियत जरा बढ़ गई। कुछ ज्यादा ही बदल सा गया है। ऐसा वैसा पता है तायमी, पहले अपनी हर कामयाबी पर मुझे गिफ्ट दिया करता था, और अब जब से काम स्टार्ट किया है कोई गिफ्ट नहीं। तुम्हारे दुख भी तुम्हारी तरह बहुत मासूम है। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? क्या मैं इतना हल्का हूं कि जिसका जब दिल चाहे मुझे दो कौड़ी का कर दे? मिस माहीन जब्बार, उमर इतना हल्का नहीं है। उमर, तुम्हें ताया अबू बुला रहे हैं। वाह चॉकलेट, ख्याल आए गए से। लेकिन आज तो मेरा बर्थडे नहीं है और ना ही जैद का। प्यारी जूबी के लिए। हाँ मेरी जान, मैं आऊंगा शाम में तुम्हारे घर। ऑब्वियसली तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। बाय। तुम क्यों बुद्ध बन गई हो? कहीं जा रहे हो? हाँ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कोई काम है तो नहीं जाता? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पास सिर्फ काम के लिए आती हूँ? क्या हुआ, मूड क्या हो? जब ये पता है कि मूड ऑफ है तो ये भी पता होना चाहिए ना कि क्यों ऑफ है। क्या हुआ है माही? कोई बात नहीं, जाओ अपनी जूबी का बर्थडे मना। पहले सो रही हूँ। हाँ हो रही, मेरे बर्थडे पर तुम्हारे पास कोई गिफ्ट नहीं था और उसके लिए इतने सारे गिफ्ट, और ये तुम उससे बात किस तरह कर रहे थे? माहिन मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, अपनी जूबी को सुनाओ। माहिन अब तुम ज्यादती कर रही हो। मैं नहीं, तुम कर रहे हो। इस वक्त तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, अभी जाओ यहाँ से, बाद में बात करते हैं। कमरे से जाने के लिए कह रहे हो? हाँ कह रहा हूँ। सारी बातें उसी से जो करनी होती है तुम्हें। माही प्लीज जाओ यहाँ से। ये सब उसी के लिए कर रहे हो ना? जब तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा तब बात करेंगे। बदल गया है, मुझे रोककर बता सकता था वो कहां जा रहा है, उल्टा मुझे कमरे से निकल जाने को कहा। ऐसे भी क्या हमदर्दी, ये तो हमदर्दी कम और मोहब्बत ज्यादा लगती है। क्या मैं उम्र पे शक कर रही हूं? नहीं नहीं, मैं उम्र पे शक नहीं कर रही, उसने मुझे हर्ट किया है। ठीक है, अब मनाने आएगा तो भी जल्दी नहीं मानूंगी। जैद, जैद उठो यार, क्या घोड़े का बेच के सो रहे हो? बारिश, बारिश। अगर एक मिनट और ना उठते ना तो जालाबारी भी हो सकती थी। क्या बता गई तुम्हें?
मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ तो मुझे जन्म जाना भी कबूल नहीं है, चले जाओ यहाँ से। क्या तकलीफ है? है मुझे तकलीफ। क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस मेरे साथ चलो। कहाँ? मुझे जूबी के घर जाना। जूबी? हद है यार। वैसे बंदा छापा मारा निकले तो कम से कम तैयार तो होता है ना। तुमने तो मुझे मुंह भी नहीं धोने दिया। टाइम दिया तो था मुंह धोने का, और मैं तुम्हारी बारात लेकर नहीं जा रही हूँ जो तुम्हें अपनी तैयारी की फिक्र लग गई। अच्छा वैसे तुम उमर को रंगे हाथों पकड़ने जा रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ उसे देखना चाहती हूँ। क्यों, पहले कभी घर पे नहीं देखा क्या? बेवकूफ, मैं जूबी की बात कर रही हूँ। ओ अच्छा जूबी। यार वैसे ना बहुत प्यारी, इतनी मासूमियत है ना उसकी शक्ल पे, इतनी के तुम्हारे पैदे होते हुए भी नहीं। ब्यूटीफुल। अब अपनी बकवास बंद करो या मैं गाड़ी से उतर जाऊं। ना इधर ना उतरना, तुझे घर कैसे पहुंचोगे? काश तुम गुंगे होते, खामोशी तो रहती। छोटे साहब आप? रोज चाचा क्या हाल है? आप लोगों के एहसान है। एहसान तो बस अल्लाह का है। बेबी को अंदर ले जाओ। हाँ हाँ, उमर साहब ने बताया था कि उनके मेहमान आने वाले हैं। आई छोटी बीबी? खास तौर पे जूबी से मिलने हैं। जम जम आए। क्या है इस छोटे से घर में जो उमर बार बार यहाँ आता है? तो ये है जूबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अब फाइन। मैं उमर की। हम सब जानते हैं, उन्होंने आपके बारे में बताया था। उन्होंने इतनी इज्जत? पढ़ती हो? नहीं, हमारे यहाँ इतना रवाज नहीं है पढ़ाई का, इसलिए मैट्रिक के बाद छोड़ दिया था। लेकिन अब प्राइवेट कर रही मैं। फिर उमर ने कहा होगा? जी उन्होंने ही कहा। फिर तो पढ़ाता भी होगा कभी कभी। क्या पढ़ाता है? मैथ और इंग्लिश। इसकी मुस्कुराहट कितनी खूबसूरत है, इसी तरह मुस्कुरा मुस्कुरा कर उससे बात करती होगी। तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था? मेरा? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। मैं तो डॉक्टर से टीका भी नहीं लगवाती। मैं अभी आती हूँ। उमर ने झूठ बोला? उमर ने हम सबसे झूठ बोला? जूबी का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ? नहीं, उमर धोखा नहीं दे सकता। उसने कभी मुझसे मामूली सा झूठ नहीं बोला, फिर इतना बड़ा झूठ।
ये कहाँ जा रही है? इसको क्या हुआ? तुम जाके बच्चों का केक काटो, मैं इसको देख कर आ। मैंने तो सोचा था यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा, और बेड़ा गर्क हो गया। सुबह कपड़े बदल लिए, तब तक आप जूस। ये क्या हुआ? सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मेन रोड तक जाना है, रास्ता समझा दोगे? बाजी वो तो छह गलियां तुम्हें, पहले सीधा जाएंगी, फिर सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाएगा, फिर उल्टे हाथ की तरफ, उधर लड्डू की दुकान आएगी, लड्डू की दुकान से आप वापस सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाएगा। अच्छा जी सुनो, देखो इस तरह मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम प्लीज मुझे मेन रोड तक छोड़कर आ सकते हो? बाजी हमारे घर तो मेहमान आए हुए और अम्मी ने बोतल लेने भेजा है, इस वजह से मैं आपके साथ नहीं आ रहा। मैंने आपको समझा दिया, आप चले जाए। क्या समझा दिया है? सीधे चले जाओ, फिर उल्टे चले जाओ, फिर दुकान आएगी, फिर सीधे जाना सर पे से गुजर गया। बाजी अगर आप चार जमाते पढ़ लेती ना तो आपको समझ आता। चलो माहिन। छोड़ो मुझे, नहीं जाना तुम्हारे साथ। तो फिर किसके साथ जाने? चलो घर जाना है मुझे। तो घर ही तो जा रहे। मुझे सुबह के घर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना सुबह के घर? धोखा दिया तुमने मुझे। मैंने कौन सा धोखा दे दिया तुम्हें? चलो यहाँ से। छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हें मैं हमेशा सबसे तुम्हारे लिए लड़ती थी, मैं सबको यही कहती थी कि मैं वैसा नहीं है जैसा आप लोग सोचते, लेकिन तुम वैसे ही हो जैसे सब सोचते। झूठे सुबह का ऑपरेशन का झूठ क्यों बोला मुझसे? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? चलो अभी मेरे साथ। मुझे अगर आज मैं यहाँ ना आती तो हकीकत कभी मेरे सामने ना आती। तुम झूठे हो। माहिन हम घर चल के आराम से बात करेंगे, कह रहा हूँ मैं तुम्हें। नहीं जाओ ना मुझे। माहिन चुप हो जाओ वरना दो थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें, समझी तुम? चलो मेरे साथ। अपनी शक्ल ठीक करो, अंदर जा रहे हैं। मुझे नहीं जाना। मैंने तुम्हारा मशवरा नहीं मांगा है। लो आ गए तुम्हारे उमर भैया। ज़ूबी क्या हाल है आपका? केक नहीं काटा? माहिन बाजी आप कहाँ चली गई थी? ज़ूबी बार बार आप ही का पूछ रही थी। ज़ूबी जी, उमर भाई ज़ूबी से आप ही की बातें करते रहते हैं, ये आपको जानती है। जब से इसका ऑपरेशन हुआ है उमर भाई ने इसका बहुत ख्याल रखा। तुम ज़ूबी नहीं हो? नहीं, मैं ज़ूबी की फुफ्फुसात बहन हूँ नासरा। ज़ूबी तो ये है। इसको जलाएंगे आपकी कैंडल को, ये देखो
वाह, अच्छा लगा। चलो हाथ दो अपना। अब पहले तुम इसको ब्लो करोगी। फूंक मारो, फूंक मारो। चल भाई एवरीवन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर यू, हैप्पी बर्थडे टू इनको घर ले जाओ। जिस तरह आई थी उसी तरह जाएगी। उमर, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। कोई बात नहीं, हम घर चलके सब ठीक है। चल। माहिन, मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज जाओ यहाँ से। खुदा की कसम, मेरा वो मतलब नहीं था। झूठी कसमें मत खाओ। उमर, मैं तुम पे शक नहीं कर रही थी। तुमने मुझ पर शक किया है। तुम वो इंसान हो जिस पर मुझे सबसे ज्यादा यकीन था कि सारी दुनिया एक तरफ और तुम्हारा यकीन एक तरफ, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम भी उन्हीं सबका हिस्सा। मैं सिर्फ अपना तजस्सुस दूर करने गई थी। तजस्सुस? क्या तजस्सुस? पहले चाचू, अब तुम। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? क्या मैं इतना हल्का हूं कि जिसका जब दिल चाहे मुझे दो कौड़ी का कर दे? मिस माहीन जब्बार, उमर इतना हल्का नहीं है। अब तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? तुम क्या कर रही हो? हाँ ठीक कह रहे हो, किया है शक में। तुम भी तो बार बार उसके पास दौड़ते हो, उसे गिफ्ट देते हो। आज से पहले तुमने ये सब कुछ सिर्फ मेरे लिए किया। और जैद कहता है कि क्या हमारा रिश्ता इतना कच्चा था कि किसी के कहे सुने में आके कमजोर पड़ जाए? मुझे क्या पता था वो छोटी सी बच्ची है। तुमने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। जूबी का ऑपरेशन ही नहीं हुआ और मैंने सारी दुनिया को धोखा दिया है। उमर, मैं नासरा को जूबी समझी थी। माहिन, तुम प्लीज इस वक्त चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं जा रही। नाराज क्यों? तुमसे नाराज हो सकता हूँ, बस जरा सा गुस्सा तो किया। मुझ पर गुस्सा नहीं हुआ करो। अगर चाचा ने मुझे माही देने से इनकार कर दिया। अम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बचपन से हर बात पे कॉम्प्रोमाइज करता आया हूँ, लेकिन इस बात पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं सोचा था कि बच्चे बड़े हो गए, हम कल ही आकर अपनी बेटी को मंगनी की अंगूठी पहना देते और शादी की तारीख तय कर लेते।